हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस के चैप्टर 12 लुकिंग आफ्टर आवर रिसोर्सेज में पढ़ेंगे कि हम कैसे अपने जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको सेफ रख सकते हैं, किस तरीके से उनको हम क्लीन रख सकते हैं। इसके अलावा जो सॉइल है हमारी वो किस तरीके से डर्टी होती है और उसे हम किस तरीके से क्लीन रख सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी हमने, उसमें हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो किस तरीके से पोल्यूटेड होता है और उस समय इससे अलावा जो एयर है वो किस तरीके से पोल्यूटेड होती है और उसे हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। तो आज हम जो वाटर है उसके जो रीज़न थे पोल्यूशन होने के, उसके बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं उसके। अब उनको सेफ़ रखने के तरीके जो हैं वो आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए, कीपिंग वाटर बॉडीज़ क्लीन, तो यानी कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ये क्या है, ये सभी वाटर बॉडीज़ हैं। रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर कॉल्ड वाटर बॉडीज़। तो भी व्हाट कैन वी डू टू कीप देम क्लीन, तो हमें क्या करना चाहिए इनको क्लीन करने के लिए। तो देखो, फर्स्ट जो है स्टेप है वो है कि वी मस्ट नॉट वॉश क्लॉथ्स और बाथ एनिमल इन आवर वाटर बॉडीज़। यानी कि हमें अपने जो कपड़े वगैरह हैं या फिर जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको कभी भी इन जगहों पर, यानी कि रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह हैं, इन जगहों पर वो हमें कभी भी नहलाने नहीं चाहिए, कपड़े वगैरह जो हैं वो कभी नहीं धोने चाहिए। इट इज़ रॉन्ग टू डू दीज थिंग्स नियर ट्यूब वेल्स एंड वेल्स टू, यानी कि ये गलत है वहाँ पर करना, ये गलत है जहाँ पर ये चीज़ें मतलब ट्यूब वेल्स वगैरह या फिर कुओं वगैरह के पास में जो चीज़ें ये की जाती हैं, ये चीज़ें वहाँ पर करना गलत है। तो देखिए, द डर्टी वाटर सीप्स इनटू द सॉइल, तो क्या होता है, जो गंदा पानी है वो जो मिट्टी होती है, मिट्टी से के अंदर धीरे धीरे विस्ता हुआ चला जाता है एंड मिक्सेस विद द वाटर इन द वेल, और जो कुएं का जो पानी होता है यानी कि जो अंडर वाटर होता है उसमें वो मिक्स हो जाता है, यानी कि जो अंडर वाटर रहे जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे फिर गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से इनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा क्या है, वी मस्ट नॉट थ्रो गारबेज इनटू वाटर बॉडीज़। दूसरा ये कि हमें जो कूड़ा करकट होता है वो इस वाटर बॉडीज़ के अंदर, इनके अंदर नहीं डालना चाहिए। वी मस्ट नॉट लीव गारबेज लाइंग अराउंड आइदर, ठीक है ना, हमें इनके आसपास जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। गार्बेज डर्टीज द सॉइल, ये क्या करता है, कूड़ा करकट ये मिट्टी को गंदा कर देता है, स्प्रेड इलनेस और बीमारियां फैलाता है एंड गेट्स वॉश्ड ऑफ इनटू वाटर बॉडीज। और जो ये कूड़ा करकट होता है ये इसमें सारी वाटर बॉडीज़ के अंदर फैल जाता है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है कि वी मस्ट क्लीन द वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज बिफोर लेटिंग इट फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़। यानी कि हमें पहले वाटर बॉडीज़ में इसे फ्लो करने से पहले जो हमारे घर के अंदर का या फैक्ट्रीज़ के अंदर का जो पानी होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, उसे पहले किसी भी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसे फेंकना चाहिए। यानी कि अगर केमिकल्स वगैरह हैं तो उसे उस पानी को तो फेंकना ही नहीं चाहिए, या फिर उसे केमिकल फ्री हमें कर लेना चाहिए। ऐसे ही अगर पानी ज़्यादा गंदा है तो उसे उस पानी के अंदर नहीं जाने देना चाहिए, या फिर उसे पहले किसी प्यूरीफायर सिस्टम के थ्रू बाहर की तरफ फेंकना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो इसके से क्या है कि जो पानी है उसे हम थोड़ा बहुत गंदा होने से बचा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए, हमें कपड़े और जो एनिमल्स वगैरह हैं वो पानी के आसपास, ट्यूबवेल्स वगैरह कुओं के आसपास नहीं नहलाने चाहिए, ठीक है ना, ये गलत चीज़ है। और दूसरा ये था कि जो कूड़ा करकट है वो इन चीज़ों के आसपास हमें नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा ये है कि जो घरों के या फैक्ट्रियों का जो पानी होता है उसे हम पहले क्लीन करें और उसके बाद ही उसे फ्लो करें, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे कि हाउ सॉइल गेट्स डर्टी, कि जो मिट्टी है वो किस तरीके से गंदी हो जाती है। तो देखिए, सॉइल गेट्स डर्टी विद ऑल द गार्बेज लाइंग अराउंड, यानी कि मिट्टी गंदी हो जाती है जब जो कूड़ा करकट है वो मिट्टी के चारों ओर इधर उधर ज़मीन पर हम इसे पड़ा छोड़ देते हैं। द गार्बेज कम्स फ्रॉम होम्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड सो ऑन, तो ये जो कूड़ा है ये आता कहाँ से है, ये आता है घरों से, हॉस्पिटल से, फैक्ट्रीज से, और जो खेत वगैरह हैं, फार्म्स वगैरह हैं, उनसे ये कूड़ा आता है। तो देखिए, कीपिंग द सॉइल क्लीन, अब मिट्टी को साफ रखने का हम तरीका आपको बताते हैं। बर्निंग गार्बेज इज़ नॉट ए गुड आइडिया,
यानी कि जो कूड़ा करकट है उसे जलाना एक पूरी तरीके से अच्छा तरीका नहीं है। इट डर्टीज द एयर, ये हवा को गंदा करता है, पोल्यूटेड करता है। व्हाट शुड वी डन, व्हाट शुड वी डू विद ऑल द गार्बेज, तो अब ये जो कूड़ा करकट है इसका हमें सबका क्या करना चाहिए। तो देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ गार्बेज, दो तरीके जो कूड़ा करकट है वो होता है, थिंग्स दैट रोट एंड थिंग्स दैट डू नॉट रोट, यानी कि वो चीज़ें जो सड़ जाती हैं आसानी से और जो चीज़ें नहीं सड़ती हैं, दो तरीके के कूड़े होते हैं। तो देखिए, थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, पील्स, फूड, लीव्स, स्ट्रॉ एंड सो ऑन रोट ईजीली, यानी कि जो चीज़ें जैसे कि सब्जी हुई, ठीक है ना, सब्जी के छिलके वगैरह, फूड्स खाना वगैरह हुआ, लीव्स पत्ते वगैरह, स्ट्रॉ भूसा है ना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी ही आसानी से गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। इफ़ वी लीव देम टू रोट इन द ओपन, जर्म्स फ्लाइज एंड कॉकरोचेस ब्रीड इन देम एंड स्प्रेड डिजीज, अगर हम इन्हें खुले में छोड़ देंगे, ठीक है ना, अगर हम इन चीज़ों को, जिन चीज़ों के मैंने बारे में आपको ऊपर बताया, ठीक है ना, अगर इन चीज़ों को हम खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा कि जो जर्म्स हैं, जो फ्लाइज़ वगैरह हैं, कॉकरोचेस जो हैं, वो क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे और उसके बाद में क्या होगा, वो बीमारियां फैलाएंगे, यानी कि उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, बट इफ़ वी थ्रो देम इनटू ए पिट एंड कवर देम विद सॉइल, यानी कि हम एक गड्ढे के अंदर, होल इन द ग्राउंड, यानी कि गड्ढे को खोद के थोड़ा सा और उसके अंदर फिर इन चीज़ों को हम दबा दें तो उससे क्या होगा, और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दें तो उससे क्या होगा कि दे टर्न इनटू कंपोस्ट, तो वो एक कंपोस्ट में बदल जाएंगे, यानी कि खाद में बदल जाएंगे। कंपोस्ट इज़ वेरी गुड फॉर प्लांट्स, सॉरी, कंपोस्ट इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो कंपोस्ट है, यानी कि जो खाद है, वो जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो समथिंग इन ओवर गार्बेज कैन बी टर्न इनटू समथिंग यूजफुल, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो है वो कूड़े करकट में बेकार होती है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कूड़े करकट में जिनको हम किसी यूज़फुल थिंग्स में बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने ये इस एग्जांपल के बारे में अभी बताया आपको, है ना। और इसके अलावा देखिए, मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक डू नॉट रॉट, ठीक है, जिस मेटल हुई, ग्लास हैं, प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये गलती सड़ती नहीं हैं, तो क्या करें, इट इज़ बेस्ट टू रिसाइकल दें, तो हमें क्या करना चाहिए, इनको रिसाइकल कर लेना चाहिए। पेपर एंड क्लॉथ डू नॉट डू रोट स्लोली, यानी कि जो ये पेपर है और क्लॉथ हैं ये धीरे धीरे सड़ते हैं, यानी कि गल तो जाते हैं लेकिन धीरे धीरे, तो बट इट इज़ ए वेस्ट टू थ्रो देम अवे, लेकिन अगर हम फिर इनको ये सोच के कि भाई ये तो बहुत धीरे धीरे गलते सड़ते हैं तो इन्हें फेंक दें, तो ये चीज़ गलत है। इट इज़ ए वेस्ट टू थ्रो देम अवे, यानी कि इनको फेंकना गलत होगा, तो क्या करना चाहिए, दे शुड बी रिसाइकल्ड, इन्हें भी रिसाइकिल करना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आप देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है प्लास्टिक बैग्स की, ठीक है ना। प्लास्टिक बैग्स होती हैं, यानी कि जिसको पॉलीथीन वगैरह बैग्स भी हम कहते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ही प्रॉब्लम हमारे इसके एटमोसफियर के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं प्लास्टिक बैग्स, ठीक है ना। अब देखिए, दे चॉक ड्रेन्स एंड डर्टी द सॉइल एंड वाटर बॉडीज, तो ये क्या करते हैं, जो ड्रेन्स होते हैं और जो हमारी मिट्टी होती है, जो ड्रेन्स वगैरह होते हैं उनको रोक देते हैं और जो मिट्टी है, सॉइल है, जो उसको ये गंदा कर देते हैं, और जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह, उनको भी ये जाम कर देते हैं, या फिर उनके पानी को ये गंदा कर देते हैं प्लास्टिक बैग। तो इनका सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि भाई इनका जितना ज़्यादा हो सके यूज़ करे ही मत कोई, ठीक है ना। तो इट इज़ बेस्ट नॉट टू यूज़ देम, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम इनका कम से कम इस्तेमाल करें, या फिर इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर हमें ज़रूरत है प्लास्टिक बैग की, तो हम प्लास्टिक बैग की जगह पर कपड़े का जो बैग है उसे हम घर पे बना सकते हैं, और उसे ही हम सब्जी वगैरह के लिए, किसी भी सामान लाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा, आप सभी को यही करना है कि कम से कम प्लास्टिक बैग का आपको यूज़ करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी करेंगे भी, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारी जो वीडियो है आपको इतना समझ में आई होगी। चलिए, आइए इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर पार्ट ए है, इसमें इन क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं,
ठीक है ना, नेम थ्री रिसोर्सेज दैट विल गेट ओवर इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि गेट ओवर हो सकते हैं, तो वो रिसोर्सेज हैं जैसे कि मेटल्स है, कोल है एंड पेट्रोलियम है, ये सभी जो रिसोर्सेज हैं ये गेट ओवर हो सकते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज़ रिसाइकलिंग मीन, हाउ डज़ इट हेल्प, ठीक है ना, व्हाट डज़ रिसाइकलिंग मीन, हाउ डज़ इट हेल्प। और तीसरा है कि नेम थ्री नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोल एंड पेट्रोलियम की जगह पे हम कि कौन से जो तीन और नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए वो है, एक तो है सनलाइट है, और दूसरा वाटर है, और एक एयर है, ठीक है ना। अभी देखो हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताएंगे बाद में। देखिए राइट अबाउट टू वेज बाई विच द एयर गेट्स पोल्यूटेड, तो वो दो तरीके जिनसे कि एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है वो कौन सा है, वो भी हम आपको अभी नेक्स्ट बाद में इसका कराएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको फ़िलहाल छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं जिनके आंसर बहुत छोटे हैं, जिनमें वीडियो में कम समय लगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हाउ डू ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, यानी कि ट्रीज हमारा किस तरीके से हमारी मदद करते हैं एयर को क्लीन करने के लिए। और छठा जो क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट अबाउट टू वेज बाई विच वाटर बॉडीज गेट पोल्यूटेड, तो वो दो तरीके बताइए, वो दो कारण बताइए जिनसे कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूटेड हो रही हैं। तो देखिए इनके जो सारी एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए EVS चैप्टर 12 के ये पार्ट ए के क्वेश्चन आंसर हैं, इनका आप वीडियो पॉज करके आराम से इनको इनकी एक्सरसाइज को देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ व्हाट डज रिसाइकलिंग मीन, हाउ डज इट हेल्प। तो देखिए अगर मैं इनको पढ़ना शुरू करूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये सिर्फ वीडियो पॉज करके आप आराम से देख लेना इनको। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। फिर ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, इसमें ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा लास्ट है जो सिक्स क्वेश्चन है, राइट अबाउट टू वेज बाई विच एयर वाटर बॉडीज गेट्स पोल्यूटेड, तो ये इसका जो दो कारण हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लें। अब आइए नेक्स्ट पार्ट बी पर हम चलते हैं। देखिए इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, तो ब्लैंक दे रखा है, फिर एक हीटर्स आर यू हीटर्स यूज सनलाइट टू हीट वाटर, तो यहाँ पर आएगा सोलर, सोलर हीटर्स यूज सनलाइट टू हीट वाटर, ओके। सेकंड है हमारा कि ब्लैंक है कैन बी मेड बाय लेटिंग गार्बेज रोट इन पिट्स कवर्ड विद सॉइल, तो यहाँ पर आएगा कंपोस्ट, कंपोस्ट कैन बी मेड बाय लेटिंग गार्बेज रोट इन पिट्स कवर्ड विद सॉइल। थर्ड है हमारा कंपोस्ट इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पर आएगा प्लांट्स, ओके। और फोर्थ है हमारा रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स आर कॉल्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा वाटर बॉडीज। और फिफ्थ है जो हमारा इसमें इज ब्लैंक इज वन ऑफ द गैसेस दैट फॉर्म व्हेन थिंग्स बर्न, यानी कि कोई भी चीज़ हम जब जलाते हैं तो कौन सी ऐसी गैस है जो फॉर्म करती है, ठीक है ना, यानी कि वो बन जाती है। तो कोई भी चीज़ जलाने पर देखो, एक तो CO2 है वो भी बनती है, CO जो गैस है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी बनती है, तो हम यहाँ पर एक ही गैस का नाम लिख सकते हैं CO2, हम यहाँ पर लिख लेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए जो पार्ट सी है, ये एक्टिविटी बेटा आप लोगों के लिए है, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें सिर्फ मैं आपको एक करके बताऊँगा, समझाऊँगा, बाकी आपको ये जो खुद करने हैं आप देख लीजिए। विच ऑफ दी, पहला है रिसाइकलिंग पेपर सेव्स, तो ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, बी है ट्रीज, तो इसमें बताना है क्या आएगा। तो देखिए रिसाइकलिंग पेपर सेव्स ट्रीज, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ट्रीज है। ऐसे ही सेकंड है विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड, तो मेटल्स ग्लास एंड पेपर या फिर कोल पेट्रोल एंड डीजल, तो रिसाइकिल जो है वो किस चीज़ को किस चीज़ की जो रिसाइकिल हो सकती है, तो वो बताना है। और तीसरा है कंपोस्ट कैन बी मेड फ्रॉम ग्लास प्लास्टिक एंड मेटल्स या फिर वेजिटेबल्स पील्स लीव्स एंड स्ट्रॉ, तो ये बताना है आपको। एंड फोर्थ है आपका कार पूल्स हेल्प टू सेव कोल या फिर पेट्रोल। और फिफ्थ है हमारा विच ऑफ दीज गिव्स आउट मोर हार्मफुल गैसेस, तो यहाँ पर बताना है कि मोर हार्मफुल गैसेस कौन सी है, कार्स रनिंग ऑन पेट्रोल या फिर कार्स रनिंग ऑन गैस,
तो वो बताना है कि जो ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए दी हुई है, बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप सभी को करनी है। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है ना, यहाँ पर एक बोटल जार ले रखा है, जार जिसका जो ये जो देखिए बेटा किसी कारण की वजह से शायद वीडियो पॉज हो गई थी, मुझे पता नहीं चला। देखिए इसमें जो एक्टिविटी है वो यही है कि आपको एक जार लेकर उसमें फिर मिट्टी वगैरह जो डालनी है और उसके बाद आप जो वेजिटेबल पील्स वगैरह हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद सोइल की लेयर डालनी है, उसके बाद में आपको राइस वगैरह और उसके ऊपर आपको फिर जो वाटर है वो छिड़कना है और वाटर थोड़ा बहुत डालना है। तो उसके बाद आप कुछ दिनों तक इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे इस जार को, ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप इस जार को ऑब्ज़र्व करेंगे तो देखेंगे कि इसमें धीरे धीरे क्या है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग आ रही है, ठीक है ना, और वो जो चेंजिंग हो रही है वो आप अपनी साइंस नोटबुक में नोट करेंगे। तो ये एक्टिविटी आज आपके लिए है। तो आई होप कि जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।